के एपिसोड की हम लोग तीसरी रेसिपी बना रहे हैं चाइनीज भेल, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है और बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए हम लोग इसके देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। एक कप मिक्स सब्जियां, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, 1.5 कप क्रिस्पी नूडल्स, 1/4 कप टमाटर सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर, 1 टेबल स्पून ऑयल। तो चलिए हम बनाते हैं आज की तीसरी रेसिपी चाइनीज भेल, जिसके लिए सबसे पहले हम सब्जियों को बारीक कट करेंगे। प्याज एकदम बारीक कट करके सब्जियां लेंगे, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और गाजर। चाइनीज भेल के लिए सब्जियों को कट करने के बाद 1 टेबल स्पून तेल गरम करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम प्याज, एक एक करके सारी सब्जियां, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और गाजर। चाइनीज में जो सब्जियां इस्तेमाल होती है उसको हम बहुत ज्यादा सेकते नहीं हैं। ये सब्जियां आप कच्ची भी खा सकते हैं। इन सब्जियों को अब हम एक बाउल में निकालेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे हम तले हुए नूडल्स, क्रिस्पी नूडल्स। ये मार्केट में तैयार भी मिलते हैं और आप इसे घर में भी बना सकते हैं। घर में बनाने के लिए नूडल को कम बॉईल करके थोड़ा सा मैदा लगा के उसे 3-4 घंटे हम लोग सुखाते हैं और उसके बाद तेज गैस पे थोड़ा थोड़ा डाल के तलते हैं। इन क्रिस्पी नूडल्स को आप 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले बना के रख सकते हैं। जब आपको भेल बनाना हो बाकी सारी चीजें इसमें डालेंगे और आपकी भेल तैयार हो जाएगी। तो अब इसमें डालेंगे हम लोग वन टीस्पून विनेगर और 1 टीस्पून सोया सॉस, हल्का सा नमक। नमक इसमें हमें ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि सारे सॉसेस में भी नमक है। 1 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर। सारी चीजों को जल्दी जल्दी मिक्स करके तुरंत सर्व करेंगे। तो ये तैयार है हमारी चाइनीज भेल। तो अब हम इसे डेकोरेट करेंगे चाइनीज भेल को। पत्ता गोभी के पत्तों के ऊपर इसे हम सर्व करेंगे। तो टेस्ट के लिए तैयार है चाइनीज भेल, जो बच्चों की खास पसंद है।